सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट है जिसमें हम वैल्यूएशन रेशियोज डिस्कस कर रहे हैं। अब जब आप किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं कि वो फेयरली प्राइज है या ओवर प्राइज है या अंडर प्राइज है, तो आपको वैल्यूएशन रेशियोज कैलकुलेट करनी होती हैं। इनके ऊपर मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस बना चुका हूं, जैसे कि अर्निंग्स पर शेयर, पी रेशो, पेग रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उनको देख लीजिए, लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट रेशो डिस्कस करेंगे जो है प्राइस टू कैश फ्लो रेशो। ये रेशो जनरली नॉर्मल इन्वेस्टर्स यूज नहीं करते हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स इसको ज्यादा यूज करते हैं जब उनको थोड़ा सा इन डेप्थ एनालाइज करना होता है। मैं आपको बता भी देता हूं आपको कब इसको यूज करना है। जनरली देखिए, अर्निंग्स यानी कि प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन जैसे नॉन कैश हेड्स आ जाते हैं। अगर आप किसी एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो आपकी कंपनी से कैश बाहर नहीं निकल रहा है, राइट? तो अगर आप किसी साल में ज्यादा डेप्रिसिएशन कर देते हैं तो अर्निंग्स और ऑपरेटिंग कैश फ्लो में काफी डिफरेंस आ सकता है। तो जब अर्निंग्स और कैश फ्लोज में ज्यादा डिफरेंस हो तब आपको प्राइस टू कैश फ्लो जरूर कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। और साथ में अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू से भी इसको कंपेयर करें तो बुक वैल्यू को भी थोड़ा मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाता है। तो अगर आप एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे, जितनी अगर बुक्स में यानी कि अकाउंट्स में जितनी वैल्यू ली गई है, आप मार्केट में हो सकता है उन एसेट्स को उतने में ना बेच पाए, तो इसीलिए बुक वैल्यू भी उतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है। लेकिन प्राइस टू कैश फ्लो जब आप कैलकुलेट करते हैं तो कैश को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये काफी स्ट्रॉन्ग वैल्यू हो जाती है जो आपको जरूर एनालाइज करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम प्राइस टू कैश फ्लो कैसे आपको कैलकुलेट करनी है, कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, यही समझेंगे, और आप ऑनलाइन इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो का फॉर्मूला क्या है? शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर शेयर। शेयर प्राइस क्या है? जिस भी स्टॉक को आप एनालाइज कर रहे हैं उसका करंट मार्केट प्राइस आपको न्यूमरेटर के अंदर लेना है, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाता है। अब देखिए, प्राइस टू कैश फ्लो काफी हद तक पीई रेशो की तरह ही काम करता है। उसके अंदर हमने देखा था, हम न्यूमरेटर में शेयर प्राइस ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में हम अर्निंग पर शेयर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो आपको एक शेयर की अर्निंग्स मिल जाती हैं, एक शेयर पर कितना कमा रही है कंपनी। तो अर्निंग पर शेयर और ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर शेयर काफी क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जब इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए तभी प्राइस टू कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, वरना आप सीधा सीधा पी रेशो को भी एनालाइज कर सकते हैं किसी भी स्टॉक की। इसका कई बार हमें एक और वेरिएशन देखने को मिलता है, शेयर प्राइस को आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो की जगह फ्री कैश फ्लो पर शेयर से डिवाइड कर दीजिए। इनफैक्ट मुझे ये फॉर्मूला बेटर लगता है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो के अंदर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कंसिडर कर लेते हैं। तो फ्री कैश फ्लो बेसिकली ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर निकाल देते हैं तो आपको मिल जाता है फ्री कैश फ्लो। अब इसका एक और वेरिएशन हो सकता है, आप शेयर प्राइस को की जगह यहाँ पे न्यूमरेटर में सीधा सीधा मार्केट कैपिटलाइजेशन ले लीजिए और डिवाइडेड बाई टोटल फ्री कैश फ्लोज कर दीजिए, तो आपको पर शेयर फ्री कैश फ्लो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं मेनली ये वाला या ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, मेनली फ्री कैश फ्लो यूज करूंगा, अदरवाइज ऑपरेटिंग कैश फ्लो को भी यूज किया जा सकता है, बट फ्री कैश फ्लो से हमें कैश कहां पे जा रहा है उसकी बेटर पिक्चर मिल जाती है। अब बेसिकली आपको क्या ध्यान देना है, जब भी नेट प्रॉफिट्स यानी कि अर्निंग्स और ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई हो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो या फिर अगर आप फ्री कैश फ्लो कंसिडर कर रहे हैं तो इनके अंदर डिफरेंस काफी हाई हो, तब आपको प्राइस टू कैश फ्लो जरूर कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। और इसको हम समझ लेते हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए, टिपिकल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपकी ऐसी दिखती है, रेवेन्यू में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देते हैं तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है, उसमें से फिर आप ये मार्केटिंग एंड सेल्स, ऑफिस एंड एडमिन यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल देते हैं तो आपको एबिटडा मिल जाता है, फिर आप डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन निकालते हैं कोई भी कंपनी, फिर एबिट मिल जाता है, ईबीआईटी। उसके बाद आप उसमें से इंटरेस्ट निकाल देते हैं, जितना भी कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस मिल जाता है, उसके बाद टैक्सेस निकाल देते हैं तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाता है यानी कि अर्निंग्स। पीई रेशो के अंदर ये वाली अर्निंग्स काउंट कंसिडर होती हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये जितनी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं, जितने भी खर्चे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर इंटरेस्ट या फिर टैक्स इवन,
ये सारे फिक्स हैं, इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकती कंपनी, लेकिन डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को कई बार मैनिपुलेट किया जा सकता है क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। आप इनको कितना भी ले सकते हैं, किसी एसेट को आप 5 साल में डेप्रिशिएट कर सकते हैं, किसी एसेट को आप 10 साल में डेप्रिशिएट कर सकते हैं, तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब क्योंकि ये अर्निंग्स यहां से मैनिपुलेट हो सकती हैं, तो कई बार पीई रेशियो से आपको ठीक से पिक्चर नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए कैश फ्लो आप यूज करते हैं। टिपिकल कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कैसी दिखती है? प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एक नॉन कैश आइटम है। यहां पे ये देखिए, ये जो डेप्रिसिएशन है ये नॉन कैश है, बाकी की सारी चीजें कैश के अंदर माइनस हो रही हैं, राइट, ये एक्चुअल खर्चे हुए हैं, लेकिन ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डेप्रिशिएट कर रही है कंपनी किसी एसेट को। उसके बाद टैक्सेस माइनस कर दिए जाते हैं, चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस कर दिया जाता है, तो आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो मिल जाता है। तो या तो आप प्राइस, यहां पे आप प्राइस इज टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो, बट मेरे हिसाब से फ्री कैश फ्लो बेटर है क्योंकि इसके अंदर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी माइनस कर देते हैं। जितना भी आपके पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया उसमें से कंपनी ने हो सकता है कुछ पैसा प्लांट एंड मशीनरी या एक्सपेंशन के अंदर लगा दिया हो, वो भी जब आप माइनस कर देते हैं तो आपको फ्री कैश फ्लोज मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप प्राइस टू फ्री कैश फ्लो निकालेंगे तो वो बेटर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो किसी कंपनी का 100 करोड़ का है और लेट से नेट प्रॉफिट यहां पे 80 करोड़ का आया था, तो हो सकता है कंपनी ने यहां पे डेप्रिसिएशन काफी ज्यादा कंसिडर कर लिया हो, तो आपको एकदम से पता चलेगा कि कैश एक्चुअली जा कहां रहा है। दूसरा, कंपनी ने हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कर दिया हो, 100 करोड़ में से हो सकता है 90 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी या फिर एक्सपेंशन में ही खर्च हो गया हो, तो ये चीज आपको यहां अर्निंग्स से क्लियर नहीं हो रही है। जब आप पी रेशो को एनालाइज कर रहे हैं तो ये चीज नहीं पता चल रही है कि कैश आखिर जा कहां रहा है। इसी वजह से प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशो जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको पिक्चर एकदम से क्लियर हो जाती है। तो एक बार आपने प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशो कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको बेसिकली ये देखना है कि प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशो जितनी कम हो उतने ही अच्छा है, उतना ही रिटर्न्स ज्यादा आते हैं। तो रिसर्च में ऐसा देखा गया है, जिन भी कंपनीज का प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशो कम रहा है ऐसी कंपनीज ने हिस्टोरिकली रिटर्न्स हमेशा ज्यादा दिए हैं। तो आई थिंक आपको यहां प्राइस टू कैश फ्लो रेशो का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम क्विकली ऑनलाइन चेक कर लेते हैं कि हमें ये कैलकुलेट कैसे करनी है रेशो। यहां मैंने एशियन पेंट्स के फाइनेंशियल्स निकाल लिए हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट में जाके, आप सर्च में जाके किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो हमें सीधा मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाता है कि कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है अभी स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है 120,494 करोड़ का करीब करीब, और इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए डायरेक्टली मिल गया है हमको 55.53। अब हमें कैलकुलेट करना है प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो। हम देखना चाहते हैं कि ये पी रेशियो से बराबर है या फिर अर्निंग्स और ऑपरेटिंग कैश फ्लो में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। उसके लिए हमें फाइनेंशियल्स में जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाना होगा। तो मैं यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में चला जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमें डायरेक्टली मिल रहा है 2136 करोड़। उसके बाद सीधा सीधा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो मिल रहा है। तो प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालने के लिए हमें प्राइस में मार्केट कैपिटलाइजेशन चाहिए, तो हम सीधा सीधा मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे लिख देंगे 120,494 करोड़ का हमने देखा था, डिवाइडेड बाई हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये कितनी है टोटल 2136 करोड़। ये वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगी 56.4। पी रेशो हमने कितना देखा था, वो करीब 55 के आसपास चल रहा था, 55.5। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है ऑपरेटिंग कैश फ्लो और अर्निंग्स के अंदर, कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कैश इधर उधर मैनिपुलेट ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ हमें प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशो भी देख लेना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंपनी कितना पैसा खर्च कर रही है। अब देखिए यहाँ पे हमें सीधा सीधा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दिख रहा है, लेकिन इसमें हमें बाइफर्केशन नहीं मिल रहा है कि कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है और कितना दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा है। तो इसके लिए आपको एनुअल रिपोर्ट चेक करनी पड़ेगी। एनुअल रिपोर्ट आप सीधा गूगल में निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से एशियन पेंट्स की गूगल रिपोर्ट, गूगल में जाके एनुअल रिपोर्ट निकाल ली है। ये इसकी एनुअल रिपोर्ट है 2017-18 की। यहाँ पे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने खोल ली है, इसमें हम नीचे आ जाते हैं। देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये तो हमें मिल गई 2136 करोड़, तो ये तो एग्जैक्टली मैच हो रही है। अब देखिए यहाँ पे बाइफर्केशन हमें पूरा मिल गया है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये देखिए करीब
1350 करोड़ रुपए कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रही है। तो हमें ये पता चलेगा कि भाई कंपनी अच्छी जगह पैसे लगा रही है, एक्सपेंशन में लगा रही है, तो मे बी दैट कैश इज वर्थ। तो यहां पे हम क्विकली प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो भी निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो यहां पे प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो अगर आप निकालेंगे तो वहीं पे हम सीधा सीधा न्यूमरेटर में तो मार्केट कैपिटलाइजेशन डाल देंगे 1,20,494 करोड़। उसके बाद हमें न्यूमरेटर में फ्री कैश फ्लो चाहिए, तो फ्री कैश फ्लो एक बार मैं पहले निकाल लेता हूं क्विकली कितना है हमारा। 2136 करोड़ तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो हो गया। उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, तो ये वाला पोर्शन हम माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो गया आपका 1358 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 778 करोड़ आ जाएगा। ये हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में डाल देंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 155। तो देखिए ये जो प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो है ये काफ़ी हाई निकल के आ रही है इस केस में। दैट मीन्स कि कंपनी अभी एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा कर रही है। ये करीब जितना भी पैसा यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से निकल के आया है इसमें से 1350 करोड़ रुपये कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा दिए हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरीके का हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। क्या कंपनी को हर साल इतना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, क्या वो रिन्यू कर रही है अपने, ये थोड़ा सा आपको और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अगर एक्सपेंशन में जा रहा है पैसा तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये पूरा रिन्यूअल्स के अंदर जा रहा है तब गलत है। तो आपको ये देखना है कि एक कंपनी एक्सपेंड ज़्यादा कर रही है या अपनी पुरानी मशीनरी को इतना ज़्यादा रिन्यू करना पड़ जाता है उसको कि उसके हर साल इतने ज़्यादा खर्चे होने लग जाते हैं। अगर रिन्यूअल्स इतने ज़्यादा हैं और उसके बाद प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो इतना ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे एक रॉन्ग सिग्नल आता है, ऐसे स्टॉक में शायद आपको निवेश नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, मैं खाली आपको यहाँ पे प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो निकाल के दिखा रहा था, अभी आप यहाँ से फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो से या इस चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए। मैं आपके सारे कमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूं, तो मुझे मैक्सिमम कमेंट्स करके बताइए कि मुझे और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए। और ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं हर रोज इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।